नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। नागपुर के सावनेर में गजानन महाराज मंदिर में चोरी, डॉग स्क्वाड पहुंचा गांधी चौक तक। खबर महाराष्ट्र के नागपुर के सावनेर शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं से एक ओर नागरिकों में अपने जानमाल को लेकर चिंताएं सता रही है, वही दूसरी ओर स्थानीय पुलिस की रात्रिकालीन गश्त और नाकाबंदी पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। कुछ माह पहले एक साथ अनेक दुकानों को चोरों द्वारा निशाना बनाने से पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। उपरांत इक्का दुक्का छिटपुट चोरी की वारदातों के बीच अब चोरों ने अपना रुख मंदिरों की ओर किया है। कुछ दिन पहले पहले पार स्थित कुलकली महाराज हनुमान मंदिर में चोरी को अंजाम दिया गया, वही सोमवार की रात शहर के प्रोफेसर कॉलोनी स्थित श्री गजानन महाराज मंदिर को रात 9 बजे के लगभग पूजा पाठ आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए तथा मंगलवार सुबह लगभग 7 बजे के दरमियान जब मंदिर खोलने पहुंचे तो मुख्य द्वार के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई दिखी और स्टोर रूम की भी ताले की कुंडी टूटी देख चोरी का अंदेशा होते ही उक्त घटना की सूचना स्थानिकों द्वारा सावनेर पुलिस को दी। इस चोरी की वारदात में अज्ञात चोरों ने मंदिर की दो दान पेटी से बड़े पैमाने पर रकम पर हाथ साफ किया तथा एक चांदी की श्री गजानन महाराज की मूर्ति पर भी हाथ साफ किया व चिल्लर पैसे वहीं फेंक कर निकल गए। ये खबर हवा की तरह फैल गई और लोगों का जमावड़ा लग गया। इस घटना की सावनेर पुलिस सूचना प्राप्त होते ही थानेदार रविन्द्र मानकर अपने दलबल के साथ पहुंचे तथा परिसर का निरीक्षण किया गया और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। डॉग स्क्वाड गांधी चौक के दिकर कॉम्प्लेक्स तक पहुंचकर रुक गया, जिससे अज्ञात चोर वहां से वाहनों द्वारा फरार होने के कायस लगाए जा रहे हैं। मंदिर परिसर तथा आसपास के सीसीटीवी की भी मदद लेकर चोरों का पता लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर सहायक पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पाफले, पुलिस उप विभागीय अधिकारी बापू रोहम, क्राइम ब्रांच अधिकारी करमलवार, फोरेंसिक जाँच अधिकारी जितेंद्र कावले, प्रफुल्ल गोरखकर, पुलिस उप निरीक्षक लोखंडे, अतुल खोरनकर, सुनील तलमले तथा अन्य विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने जांच कर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। सावनेर संवाददाता मुकेश छरबड़े की रिपोर्ट।